हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। और आज पढ़ेंगे जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, जिसमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हम सबको इंक्लूड किए हैं। और सबसे पहले इसको समझेंगे, उसके बाद टेस्ट लगाएंगे, ताकि टेस्ट लगाने से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जितने भी नए फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो अच्छी अच्छी हमेशा लेके आता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। तो होते क्या है? देखो, माइकोलॉजी माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। अब फाइकोलॉजी फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। तो इसमें कन्फ्यूज हमेशा फ्रेंड्स रहते हैं कि कौन माइकोलॉजी का अध्ययन है, कौन फाइकोलॉजी का अध्ययन है। तो इसको हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। तो हमारा ट्रिक यही है कि इसका पहला अक्षर ले लेंगे और इसका पहला अक्षर लेंगे, तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, तो कम कम हो जाएगा। देखिए, इसमें अगर आप सेट किसी भी तरीके से आप सेट कर ले रहे हैं, आप भूलेगा नहीं। जैसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो कितना लोग भूल जाते हैं, कितना लोग नहीं भूलते। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिए, ताकि हमेशा याद रहे। और अच्छे से आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप आंसर कर लें। और हम आगे चलते हैं। और देखिए, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर कल्चर में होता है मछली पालन का अध्ययन। आ इथियोलॉजी जो होता है, इसमें मछलियों का अध्ययन होता है। तो इसमें लोग कोई भी अगर मछलियों का अध्ययन पूछेगा तभी पीसी कल्चर मारेंगे, मछली पालन का अध्ययन रहेगा तब भी पीसी कल्चर मारेंगे। तो इसको पहले इसको डिफरेंट समझ लीजिए आप लोग, कि पीसी कल्चर में क्या होता है और इथियोलॉजी में क्या होता है। तो पीसी कल्चर जो होता है वो मछली पालन का अध्ययन होता है, इसको पहले आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और जो इथियोलॉजी जो होता है वो मछलियों का अध्ययन होता है। इसको आप अच्छे से सेट करके अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि बार बार ये भूल जाता है, ताकि आप भूले ना। आप जितना ही अच्छे से इसको सेट करेंगे उतना ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहेगा। और आप लोग समझ गए होंगे कि पीसी कल्चर में मछली पालन का अध्ययन होता है, और जो इथियोलॉजी है वो मछलियों का अध्ययन होता है। अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। और हम आगे देखेंगे एपी कल्चर और सेरी कल्चर में। तो एपी कल्चर जो होता है वो मधुमक्खी पालन का अध्ययन उसमें होता है, एपी कल्चर में। और जो सेरी कल्चर होता है वो रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप जैसे एक बार में तो याद नहीं होगा, कम से कम एक बार दो बार वीडियो देखेंगे, तीन बार वीडियो, जितना टाइम देंगे उतना ही आपको दिमाग में बैठेगा। एक बार में सोचेंगे सब याद हो जाए तो एक बार में याद नहीं होगा फ्रेंड्स। तो समझ लीजिए, जो एपी कल्चर जो होता है वो मधुमक्खी पालन का, देखो जितना आप सेट करेंगे इसको अपने हिसाब से सेट करेंगे तो जल्दी भूलेगा नहीं। जैसे ट्रिक के माध्यम से, किसी ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लिए तो 1 घंटा 2 घंटा रहेगा आपके दिमाग में, फिर वो दिमाग से गायब हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाइए, अपने हिसाब से सेट करिए, ताकि हमेशा आपके दिमाग में रहे। और हमारा अगला है एक पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में होता है फलों का अध्ययन, इसको तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। और एंथ्रोलॉजी जो होता है वो पुष्पों का अध्ययन होता है। ये सब जितने भी अध्ययन हैं, अच्छे से आप एक बार दो बार वीडियो को जरूर देख लेना फ्रेंड्स। आप इसको जो जो पोमोलॉजी है फलों का अध्ययन, इसको तो आप सेट कर लेंगे आसानी से। जो एंथ्रोलॉजी है पुष्पों का अध्ययन, तो इसमें तो जब उसको याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। और जितने भी ये हैं उसको समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, जितना समझेंगे तो भूलेगा नहीं। जैसे और एक बार और देख लीजिए, जो जो पोमोलॉजी होता है वो फलों का अध्ययन किया जाता है उसमें, एंथ्रोलॉजी होता है जो पुष्पों का फूलों का अध्ययन किया जाता है। और हमारा अगला है विटी कल्चर जो होता है, विटी कल्चर वो अंगूरों का उत्पादन एवं अध्ययन दोनों होता है विटी कल्चर में। और पेडोलॉजी जो होता है वो मिट्टी भूमि का अध्ययन होता है।
ये तो वीटी कल्चर वाला तो अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। इसको भी जैसे वीटी कल्चर अंगूरों तथा का उत्पादन होना अध्ययन, इसको भी आप अपने एक बार पहले वीडियो को अच्छे से देखिए समझिए, उसके बाद याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक बार में बहुत कम चांस है कि सबको याद हो जाता है। कुछ बच्चे को तो 5 बार 6 बार में बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो हमारे यही कहने का मतलब है कि अच्छे से समझते चलिए, जितने भी प्रश्न हैं जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जो पेडोलॉजी होता है वो मिट्टी का अध्ययन, इसको भी अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसमें से बार बार क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। और हमारा अगला है आर्निथोलॉजी, और एक होता है डेंड्रोलॉजी। तो इसमें होता है आर्निथोलॉजी में क्या होता है, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और डेंड्रोलॉजी जो होता है इसमें वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसको जितने आप सेट करेंगे, जैसे आर्निथोलॉजी डेंड्रोलॉजी, तो आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन हो गया और डेंड्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। तो इसको जितना आप सेट करेंगे, कोई वर्ड ले लीजिए, कोई वर्ड जिसे पहले बताए थे ना कि कोई वर्ड ले लेंगे उसको सेट कर लेंगे। अगर सेट करेंगे आप अपने हिसाब से अगर सेट कर लिए तो भूलेगा नहीं, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से अगर कि कोई ट्रिक आप जानते हैं, अपना ट्रिक अगर बनाएंगे तो भूलेगा नहीं, तो मेरा गारंटी है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं अगर टेस्ट समझे रहेंगे तो टेस्ट लगाने में अच्छा रहेगा। और जितने भी फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आगे देखते हैं आफियोलॉजी, आफियोलॉजी क्या होता है और सारोलॉजी क्या होता है। तो आफियोलॉजी जो होता है वो सर्पों का, सांप का अध्ययन किया जाता है, और सारोलॉजी जो होता है उसमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इसको भी अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, जैसे आफियोलॉजी, आफियोलॉजी में सर्पों का जैसे सांप का अध्ययन किया जाता है, और जो सारोलॉजी होता है उसमें छिपकलियों का अध्ययन। पहली बात इसको आप देखते चलिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर एक बार फिर से देख लीजिएगा, कुछ ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को एक ही बार में समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स। और हम आगे देखते हैं एक सिल्वी कल्चर होता है और एक इकोलॉजी होता है। तो सिल्वी कल्चर में क्या होता है, इकोलॉजी में क्या होता है। जो सिल्वी कल्चर होता है वो कास्टिक पेड़ों का अध्ययन होता है उसमें, और इकोलॉजी, इकोलॉजी में जीव व पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। इकोलॉजी को तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, इको जैसे पर्यावरण, तो उसी तरह इकोलॉजी हो गया जीव व पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। इसको समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, अच्छे से समझिएगा, जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। और हमारा अगला है एपिग्राफी और एक ऑस्टियोलॉजी होता है। एपिग्राफी में क्या होता है और ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है। एपिग्राफी जो होता है वो शिलालेखों का अध्ययन, ये आप जानते ही होंगे लगभग, हमको लग रहा है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का मतलब हड्डियों का अध्ययन। ये तो आसानी से आप याद कर सकते हैं, एक ही बार में याद कर सकते हैं, और एक बार दो बार देख लेंगे तो अच्छी तरह से दिमाग में आप लोगों के बैठ जाएगा। और हमारा अगला है पोल्ट्री, पोल्ट्री में क्या होता है और पिगरी में क्या होता है। तो पोल्ट्री में जो होता है वो मुर्गी पालन का अध्ययन होता है, ये तो इस बार पूछा था, रेलवे में भी पूछा था। और पिगरी जो होता है ये सुअर पालन का अध्ययन होता है। इसको सुअर पालन का अध्ययन तो आप आसानी से याद करते हैं, जैसे PIG पिग होता है, पिग में सुअर, तो उसी तरह पिगरी, पिगरी में सुअर पालन का अध्ययन। आप पोल्ट्री जो होता है मुर्गी पालन का अध्ययन कम से कम एक बार दो बार जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, कम से कम तो याद तो हो जाएंगे, कुछ इसमें याद हो जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट टेस्ट करेंगे तो उसमें याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग टेस्ट लगाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। दोस्तों कम से कम आपको 5 सेकेंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, तो आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो फूलों की खेती, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ये तो सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जियों की खेती, सब्जियों का खेती सेरिकल्चर होता है। अब फलों की खेती पोमोलॉजी, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सब्जियों का खेती जो होता है सेरिकल्चर होता है। एक फूलों की
खेती फ्लोरिकल्चर, अब फूलों का अध्ययन जो होता है वो एंथ्रोलॉजी होता है, ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, तो इसमें जो वर्णन होता है वन के विकास का वर्णन होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा पहले। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, तो देखिए शैवालों का जो अध्ययन किया जाता था पढ़े थे आप फाइकोलॉजी, और जो कवकों था कम था ट्रिक, तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वनस्पति अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर जो होता है वो फूलों की खेती होती है, ओलोरिकल्चर में सब्जियों की खेती होती है, हॉर्टिकल्चर वनस्पति से अध्ययन से होता है, और एग्रीकल्चर जो होता है वो फसलों का खेती होता है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, मतलब फूलों का अध्ययन, तो जो फूलों का अध्ययन होता है वो एंथ्रोलॉजी होता है, अब फूलों की जो खेती होता है वो फ्लोरिकल्चर होता है, दोस्तों ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, अब फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का अध्ययन है, तो डेंड्रोलॉजी का अध्ययन जो होता है वो झाड़ियों का अध्ययन से होता है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो हमारा पारिस्थिति का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा पर्यावरण का अध्ययन। और हमारा अगला क्वेश्चन, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों ट्रिक आप लोगों को याद ही होगा, तो कम था तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक हैं, कभी जीव विज्ञान पूछता है कभी जंतु विज्ञान पूछता है, तो दोस्तों कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो अरस्तु, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, तो हमारा थियोफ्रेस्टस है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा वनस्पति शास्त्र का जनक। और हमारा अगला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाकी इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं अभी ऊपर, एक बार फिर देख लीजिए, जो थियोफ्रेस्टस हैं वो वनस्पति विज्ञान के जनक, जो अरस्तु हैं वो जंतु विज्ञान के जनक हैं।
और हमारा अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है उन्हीं की शपथ दिलाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, हिप्पोक्रेट्स हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? दोस्तों जितने भी नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और लाइक करना तो भूलिएगा मत फ्रेंड्स। तो स्पर्मोलॉजी में जो होता है वो बीजों का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। और हमारा अगला क्वेश्चन, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है, तो इसमें किसका अध्ययन होता है दोस्तों? तो इसमें एग्रोस्टोलॉजी में जो होता है वो घासों का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। और हमारा अगला क्वेश्चन, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो सबसे पहले हम बताए थे आप लोगों को इसके बारे में। तो जो पेडोलॉजी होता है वो भूमि मिट्टी का अध्ययन होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सब्जियों के अध्ययन को कहते हैं, इसके बारे में तो हम बार बार आप लोगों को बताए हैं। तो ओलेरी कल्चर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। और हमारा अगला क्वेश्चन, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फफूंद का हो जाएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट, और हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिए दोस्त आप लोग, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।